शिवपाल और अखिलेश एक साथ आए मंच पर। शिवपाल के साथ मंच पर आकर अखिलेश बोले, राजनीतिक रूप से दूर थे पर अब ये दूरियां खत्म हो गई हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मैनपुरी की एक जनसभा में एक साथ आ गए और वहां शिवपाल ने भी बहू डिंपल को जिताने की अपील भी की। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली थी, जिसके बाद यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें समाजवादी अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल को उतार दिया है। 2019 में यहां मुलायम सिंह यादव ने भाजपा के प्रेम सिंह शाक्या को करीब 96,000 वोटों से हराया था। इस उपचुनावों में भाजपा ने रघुराज सिंह शाक्या को डिंपल यादव के सामने उतारा है। रघुराज शाक्य मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु मानते थे और रघुराज शाक्य शिवपाल यादव के भी खास माने जा रहे हैं। क्या यही कारण तो नहीं है अखिलेश को चाचा को मंच पर लाने का? दोनों ने रिश्तों में किसी भी तरह की दूरी होने से इनकार किया है, लेकिन क्या ये दोनों ने साफ दिल से कहा या फिर केवल दिखावे के लिए उठाया गया कदम था, ये बात तो दोनों ही जाने। गौरतलब है जिसपे सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल की जगह अखिलेश को 2012 में मुख्यमंत्री बना दिया था, तब से शिवपाल और अखिलेश के बीच एक अदावत सी बन गई थी जो अब तक लगातार जारी है और कई सार्वजनिक जगहों पर ये जाहिर भी होता रहा है। एक बार शिवपाल सिंह यादव ने कहा भी था कि सपा में अपनी इज्जत ना होने से मैं आहत हूँ, मुझे किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। उन्होंने ये भी कहा था कि उस पार्टी में अब नेताजी का भी सम्मान नहीं किया जाता है। 2012 में अपना हक छीनने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने 2018 में समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी। मुलायम के निधन और मैनपुरी उपचुनाव के कारण चाचा और भतीजे एक हो गए, लेकिन क्या शिवपाल को अपने हक न मिलने से मिला जख्म इतनी जल्दी भर पाएगा? इसका जवाब तो भविष्य में ही मिल सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि शिवपाल ने जिस शिद्दत के साथ पार्टी और मुलायम की सेवा की है उनके साथ गलत ही हुआ है। वैसे भी 2012 में अखिलेश नौसिखिया ही थे और राजनीति में भी नए थे। शिवपाल सिंह यादव की भाजपा में और प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में अच्छी जानकारी और सम्मान है, लेकिन अफसोस इस बात का है जिसको सबसे बड़े सूबे का सीएम बनना था, जिसकी हनक हर जगह थी, उसको उसका हक नहीं मिला। पुत्र मोह के सामने भाई के हक ने दम तोड़ दिया और अब जब अखिलेश ने शिवपाल का साथ मांगा है तब भी अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को ही चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। आप देख रहे हैं N27 News, पकड़ हर खबर पर।